गाली नहीं ब्लॉग में दे सकते, सर में गाली वाला ब्लॉग नहीं है ये। अगर गाली वाला ब्लॉग होता ना तो फिर आपको मजा ही आ जाता। इस बात को मैं ये कह रहा हूँ, सन्नी भाई से कौन नहीं करता दुनिया में मोहब्बत, ये तो बताओ। पूरी रुड़की में सन्नी भाई का रुका है। देखो क्या हाल हुआ पड़ा, मैं हालत खराब हो गई मेरी। ऐसा हो रहा है कश्मीरी है, कश्मीरी सेब शर्मा की राज ला। पीछे के कोई सो हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो भाई आ गया मैं जिम के अंदर, और आज बहुत लेट हो गया मैं जिम में आते हुए, क्योंकि गाइस आँखें नहीं खुली सुबह सुबह मेरी, और टाइम में 9 बज रहे हैं। अभी अपना एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज करने के बाद जल्दी जल्दी फटाफट घर चलते हैं, और आज मुझे लगानी है बैक की एक्सरसाइज। तो अभी फ़िलहाल मैंने वार्म अप वगैरह कर लिया, अब अपना एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, और एक्सरसाइज स्टार्ट करने के बाद चलते हैं घर, क्योंकि 2-4 काम है मुझे, वो निपटाएंगे, फिर उसके बाद जाना है ऑफिस। ठीक है, तो इस व्लॉग को हम यहीं पे शुरू कर लेते हैं। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, और मैं हूँ आपका होस्ट, आपका दोस्त विकेट सनी। टेंशन ना ले, इतना नहीं आलेगा, इतना नहीं आलेगा, तू टेंशन ना ले। क्यों भाई शहजाद, ऐसा ही है क्या? भाई शहजाद, आज शेव थोड़ी सही कर दी है। ठीक है जी, हम चारों दोस्त होते हैं जी। अच्छा जी, अब हमको प्रोजेक्ट मिलता है, चक्कर में जाके शूट करना है। भाई भाई बुरी हालत हो जाती है गाइस जूते ढूंढने में मुझे, जो आज मैं क्या कर रहा हूँ। ओह देखो क्या हाल हुआ पड़ा, मैं हालत ख़राब हो गई मेरी। शूज़ एक शूज़ था मेरा, वो मुझे मिल नहीं रहा है, अब वो कहाँ रखा है मुझे नहीं पता। अभी फ़िलहाल जो मैं जिम के जो मेरे शूज़ है ना उन्हें एक तरफ रख रहा हूँ, और जो मेरे वैसे वाले शूज़ हैं उन्हें एक तरफ रख रहा हूँ। ठीक है, लेदर का भी कलेक्शन मेरे पे बढ़िया हो रखा है, लेकिन मुझे ये नहीं पता लगता कि मैंने कौन कौन से शूज़ पहन रखे हैं, कौन कौन से नहीं। जो शूज़ पहन रखे हैं उन्हें रख रहा हूँ मैं एक साइड, जो मैं पहनता हूँ फ़िलहाल, और जो मैं नहीं पहनता उन्हें एक तरफ करके रख रहा हूँ। ये मैं कम से कम कई बार कर चुका हूँ ये चीज़, लेकिन फिर बार बार भाई भूल जाता हूँ, थक गया, बहुत देर से लग रहा हूँ मैं गाइस इसमें। वीडियो तो मैं अब बनाना स्टार्ट किया है, वरना मैं बहुत देर से रखा हूँ। देखो मेरी ये वाले शूज़ हैं, मैं ढूंढ रहा था बहुत देर से, थोड़ी मुझे मिल नहीं रहे थे, अब ये मैंने उधर से निकाल ले तब मुझे मिले जाके ये शूज़। क्योंकि आज जो मैंने जैकेट वैकेट और टी शर्ट पहन रखी है ना, तो आज उसके हिसाब से मैं लेदर के शूज़ नहीं पहन रहा हूँ, आज स्पोर्ट्स चलेंगे इस पर। तो भाई जो लेदर के शूज़ हैं उन्हें एक तरफ करके रख देता हूँ अपने। चेल्सी मेरे पे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं भाई, ने साफ करने में भी ना कसम से पूरा दिन लग जाता है, पूरा ही दिन लग जाता है शूज़ वूज सही करने में। अब ये कौन से वाले हैं, अब ये देखो मैंने आज तक ये मतलब मेरे नए के नए शूज़ पड़े हैं ये वाले ना, एक दो बार पहने हैं मैंने, और ये मैं अब जिम में यूज़ करूँगा, मैं जिम वाले अलग रख रहा हूँ अपने, जो जिम में यूज़ करूँगा शूज़ उन वाले शूज़ को कर दूँगा अलग। ये भी मैंने अभी इसमें जिम के ही हैं, ये भी मैं जिम में यूज़ करूँगा, मैं नॉर्मली मैं वैसे नहीं पहनता, जबकि ये शूज़ बहुत बढ़िया है लेपर्ड प्रिंट वाला। ठीक है, उसे अलग ही रखूँगा, ये लेसेस पड़े हैं नए के नए। एक ये भी नहीं, देखो इस शूज़ की क्या हालत हो गई, जबकि ये भी शूज़ मैं बहुत कम पहनता हूँ गाइस, ये भी मैं पहनता नहीं हूँ, बहुत कम पहनता हूँ, जबकि काफ़ी महंगा शूज़ है ये वाला मेरा एलवी का, और देखो अब इसकी हालत क्या हो चुकी है, बहुत बुरी हालत हो गई। और ये नेट वाला देखो, नेट वाला शूज़ है ये, इसके नीचे कपड़ा लगा हुआ है, एडिडास सुप्रीम का शूज़ था ये, मतलब जो एडिडास वालों ने उसके साथ किया था टाई अप सुप्रीम के साथ। और ये भी अब मैं जिम में यूज़ करूँगा, वो उधर येजी पड़े मेरे, उधर स्नेक वाले रखे हैं, अभी इसे प्रॉपर साफ़ करता हूँ, साफ पूरी अच्छी तरीके से फिर रखता हूँ। भाई अलमारी ना मेरी छोटी पड़ गई अब कसम से,
मुझे एक दूसरी अलमारी बनवानी पड़ेगी जिसमें मुझे शूज़ रखना है। इधर तो मैंने रख दिए सारे के सारे अपने पहनने वाले, स्पोर्ट्स वाले भी इधर ही रख देता हूँ ताकि, क्योंकि उधर अपने सारे लेदर वाले आ जाएंगे। ठीक है, इसके अंदर रख लूँगा अपने चप्पल, रख देता हूँ इधर। ये आ गए अपने इधर वाले शूज़, और इन्हें मुझे पॉलीथीन में करके रखने पड़ेंगे वरना ये गंदे हो जाएंगे। और ये वाले शूज़ मेरे आज के लिए पहन के जा रहा था मैं जिम, लेकिन अब इनकी हालत होगी ख़राब, मतलब गंदे हो रहे हैं, धोने पड़ेंगे। इन्हें ड्राई क्लीन करवाऊंगा, धोऊंगा नहीं, घर पे ड्राई क्लीन करवाऊंगा इन्हें। ठीक है, ड्राई क्लीन से ये होता है नए के नए हो जाते हैं दोबारा। ये वाले शूज़ भी देखो, ये भूला हुआ था मैं, ये भी नहीं पहना हूँ मैं, ये भी काफ़ी दिन से नहीं मैंने पहने, ऐसे कैसे पड़े। ओ भाई, कमर में दर्द हो गया मेरी तो, बहुत बुरा हाल हो गया भाई। करता हूँ भाई, अभी किसी का फ़ोन आ रहा है, मैं करता हूँ आप लोगों को अभी। ठीक है भाई, ये एलिगेटर वाले शूज़ भी मेरे देखो, आज निकाल के रखे मैंने, ये आज दिखिए मुझे, ओह रख दिया अभी मैंने फ़िलहाल, लेकिन रोज़ का ही है, रोज़ ही मुझे सेटअप करना पड़ता है, जो शूज़ पहनना होता है वो मिलता नहीं इनका। अब मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा, बॉक्सेस मंगाने पड़ेंगे, जो ट्रांसपेरेंट बॉक्स आते हैं ना उसमें एक एक शूज़ रख दिया। ठीक है, तो अलग दिखेगा, जो पहनना हो वो निकाल लो, और उसमें गंदे भी नहीं होंगे, साफ़ भी रहेंगे। वो वाले शूज़ तो मेरे बहुत ही गंदे हो रहे हैं। ठीक है, अभी फ़िलहाल भाई थक गया मैं गाइस, अभी मुँह वगैरह धो के फिर मिलता हूँ। सो गाइस, फाइनली मैं रेडी हो चुका, और भाई मैंने अपनी पूरी की पूरी अलमारी बहुत बढ़िया तरीके से लगा दी। ठीक है, और बाल आज मेरे जेल वेल है नहीं, तो इसलिए बाल मैंने कैप लगा लिया। हेलो भाई, हेलो, क्या हाल चाल, आज तो ले लूँ तुझे वीडियो में। भाई ऐसा हो रहा है, कश्मीरी है, कश्मीरी सेब शर्मा के रहा है तुला। हाँ भाई बॉब, कॉल कर रहा था ना तू, कैमरे के लिए फोन कर रहा था यार। अच्छा, कैमरा चाहिए था, शूट करना था भाई का मैं। तो ले लियो मेरे से कैमरा, ले लियो। कब चाहिए था? किस टाइम? टाइम बता मुझे। हाँ हाँ, तो धूप तो आ गई। अच्छा अच्छा, रूम में। तो भाई अभी थोड़ी देर होटल पे बैठेंगे अपना, क्योंकि फिर उसके बाद जाना है मुझे। यार आज मैंने जेल वेल नहीं लगाया, क्योंकि भाई कैप लगा रखी है, जेल ख़त्म हो रखा है, तो जेल ढूंढना पड़ेगा, फिर लगाएंगे जेल। ठीक है, अभी थोड़ी देर यहीं पर रहेंगे होटल पर। पता नहीं कहाँ खड़ा, मैं लगा भाई गाजियाबाद वालों में कोई काम नहीं है। तो भाई व्लॉग चल रहा है अपना, व्लॉग देख रहे भाई। गए, सच बता रहा हूँ मैं यार, इस भाई का प्यार देख के ना कसम से मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। मैं भी जा रहा था, घुमा के ला रहा था गाड़ी, तो एक भाई मिला मुझे जो बराबर में बैठे हैं भाई, सन्ने भैया की बात। और भाई ने कसम से भाई एकदम मुझे कहने लगा, भाई मैं आपसे इतना प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ आपसे, अगर आपको किसी ने कुछ कहा। बस गाली नहीं व्लॉग में दे सकते, सर में गाली वाला व्लॉग नहीं है ये। अगर गाली वाला व्लॉग होता ना तो फिर आपको मजा ही आ जाता, इस बात को मैं ये कह रहा हूँ। लेकिन भाई इसका प्यार इतना मेरे से, मतलब यार कसम से यार, मैं भी घर से ही निकला था बस, ठीक है, अपने काम के लिए, तो भाई मिल गया मुझे। भैया भी घर से बाहर ही निकले हैं, लेकिन भैया की बात है एकदम बिल्कुल, इसने मुझे हाथ दिया, मैं रुक गया एक सेकंड में साइड में लगी गाड़ी। तो भाई यूँ कह रहा कि भाई मैं आपसे इतनी मोहब्बत करता हूँ, इतनी मोहब्बत करता हूँ आपसे। बिल्कुल सन्नी भाई से कौन नहीं करता दुनिया में मोहब्बत, ये तो बताओ, पूरी रुड़की में सन्नी भाई का रुक्का है, ये प्यार है सन्नी भाई, सन्नी भाई रुक्का मच रहा है। कोई इतना प्यार करे, इतनी मोहब्बत करे, तो उसके लिए आप 5-10 मिनट निकाल लो ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कितना भी जरूरी काम हो, लेकिन भाई इतने प्यार वाले लोग ना भाई मिलते नहीं, सच में ये दिल से प्यार है इसका। ठीक है, दिल से ही है ना, दिल से कसम से जो भाई मिला था ना भाई, इतना प्यार मैंने कसम से इतना प्यार नहीं देखा भाई, बहुत ज्यादा क्रेजी था मैन, इतना ज्यादा क्रेजी था ना भाई, इतना ज्यादा क्रेजी आदमी,
भैया बस आपके साथ जाना, भैया बस आपके साथ रहना, भैया ये भैया वो, परेशान हो गया था। मैंने उसे कहा भाई अभी घर चला जा, कोई बात नहीं मैं मिल लूंगा तेरे से बाद में, ठीक है। मैं जा रहा था किसी काम से, तो काम वाम निपटा लूं। भाई गाइस सही में मजा आ जाता है जब ऐसे कोई प्यार करने वाला मिलता है ना, सच में मजा आता है गाइस। चलो मैं अपना काम निपटा लूं फिर मिलता हूं आपसे। मैं आ गया अभी ऑफिस पे और मैं वेट कर रहा हूँ अभी अनस भाई का, क्योंकि अनस भाई आने वाले हैं। अनस भाई का कॉल आया था, अनस भाई ने मुझे कहा कि भाई मैं ऑफिस पे आ रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है आ जाओ, तो मुझे थोड़ा सा काम था तो इसलिए मैं ऑफिस पे आ गया था। तो अनस भाई आने वाले हैं, तो अनस भाई के साथ चलेंगे अभी क्योंकि उन्हें कुछ काम है। तो देखते हैं अनस भाई कितनी देर में आएंगे। बाकी मेरी जो दाढ़ी है वो शेप में हो रही है नहीं, क्योंकि आज मैंने इसे थोड़ी शेप में कटाई है। बाकी अभी इंतज़ार कर रहा हूँ भाई आ जाएं, और क्योंकि फिर शाम हो जाती है जल्दी तो व्लॉग भी पूरा करना होता है हमें अपना। बाकी देखते हैं गाइस, अभी मैं बाहर खड़ा था और बाहर खड़े होके देखिए मैंने फैशल भाई की गाड़ी, देखो कितनी गंदी हो रही है। इतने दिन से ये बाहर खड़ी हुई है ना, ओहो बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है, क्योंकि फैशल भाई है नहीं यहाँ पर, तो उनकी गाड़ी बिल्कुल गंदी हो रही है बाहर खड़ी हुई। तो एक काम करूँगा कल इसे धुलवाता हूँ बढ़िया करके, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है, तो इसकी तो हालत बहुत ही ज़्यादा बुरी हो रही है। कल टाइम लगते ही फैशल भाई की गाड़ी धुलवाएंगे, क्योंकि भाई मैं गाड़ी गंदी नहीं देख सकता, मुझे देखी नहीं जाती है बिल्कुल भी गंदी गाड़ी है। और आज मेरी नज़र पड़ गई इस पर, वरना मेरी नज़र नहीं, एक तो मैं ऑफिस कम आ रहा हूँ ना तो इसलिए मैं देख ही नहीं पा रहा था। अभी मुझे मैंने देखा तो मुझे बहुत दुख हो रहा है। इसे कल धुलवाएंगे बढ़िया तरीके से ना, कल करते हैं। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम अनस भाई, आपने तो बहुत लेट कर दिया है यार, क्या करूँ बिजी है ना ना, तो फिर अनस भाई के इंतजार कर रहा था मैं बाहर खड़ा हुआ था काफी देर से कि अनस भाई आ जाए, और फाइनली अनस भाई आ चुके हैं। किस चीज की? कुछ तो लिया ही होगा इतने दिनों बाद आपने। अच्छा अच्छा, हाँ भाई मैंने भाई अभी तो कुछ नहीं लिया यार। नहीं नहीं अभी कुछ नहीं लिया, लेकिन अनस भाई की जुबान मुबारक हो भाई, अगर ऐसा है तो फिर इंशाल्लाह भाई जल्दी जल्दी बहुत बहुत चीजें ले हम जल्दी। नहीं था तो भाई अभी फिलहाल मैं जा रहा हूँ अनस भाई के साथ थोड़ा सा ड्राइव करने, ड्राइव क्या ऐसे एक काम है वो काम निपटाएंगे, तो थोड़ा बहुत घूम भी लेंगे साथ में, बाकी मिलते हैं थोड़ी देर में। पीछे के कोई आ गया भाई, चलो ठीक है मैं चलता हूँ। तो गैस अभी फिलहाल भाई मैं आ चुका हूँ बाबा के यहाँ, बाबा बोले तो अपना तौसिफ भाई, क्योंकि अनस आया हुआ था ना, तो यार अनस काफी देर हो गई थी अनस के साथ मुझे, तो अब फिलहाल मैं बाबा के आया हूँ। बाबा ने बना रखी है बहुत बढ़िया, क्या बनाया भाई? तारी, तारी बोले तो येल्लो वाले चावल, ठीक है। तो भाई बाबा के यहाँ दावत है आज, बाबा ने अपने हाथ से खाना बनाया। हाँ भाई खाए? हाँ बिल्कुल डन, करे शुरू। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं सोच रहा हूँ चटनी बना लूँ। हैं चटनी बना? अरे बस चटनी वटनी के बारे कह रही रहने, तो चटनी तो तुम जिम वाली खा रहे हो। जिम की चटनी खा नहीं रहे अभी? नहीं अभी नहीं, बॉडी बनने के बाद, बॉडी बनने के बाद। तो भाई मैं ये कह रहा था कि तौसिफ ने कर रखा था यार ये, इसने मेरे लिए स्पेशली खाना बनाया था, कहने लगा कॉल आया इसका, भाई आ जाओ खाना खाएंगे साथ में बैठेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है भाई आते हैं, खाना खा लूँ और इस ब्लॉग को एंड करूँगा यहीं पर, क्योंकि रात हो चुकी है, अब ब्लॉग में कुछ रहा भी नहीं। दिखा दो पहले एक बार शक्ल आपको खाने की, फिर बताता हूँ। ओह माय गॉड, ये देखो लजीज़े करीम, ओहो दिवाली कल दवा अलग ही लग रहा दे भाई। तो भाई ओहो मजा आ रहा भाई, इसे तो देख के ही कसम से मजा आ गया मुझे भाई। अब खाना वाना खा लेते हैं, अब खाना वाना खा लेते हैं क्योंकि काफी टाइम हो गया, और मैं इसका वेट कर रहा था फैशल का, ये पता नहीं कहाँ था भाई इतनी देर से। खाना वाना खाते हैं और व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि भाई बर्दाश्त नहीं हो रहा। चटनी भी आ रही है अभी? हैं चटनी स्पेशल वाली? नहीं भाई कोई चटनी शटनी नहीं है, खाएगा चटनी वटनी से ठीक है।
तो इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। Thank you.